हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्लो फ्लेम रेसिपीज में। खस्ता कचौरी तो हम सब ने बहुत खाए हैं, इस तरीके से आज हम बनाने वाले हैं एक एकदम हेल्दी दाल कचौरी। यहाँ पे मैंने दाल को फूलने के लिए डाला था और अब हम इसको पीस लेंगे। पीसने टाइम हमें इसमें डालना है 5-6 लहसुन की कली और फिर 2 हरी मिर्च। इसमें हम पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट इस तरीके से होना चाहिए, एकदम बारीक सा पिसा हुआ। और अब हम इसके लिए रोते रोते प्याज कट कर लेंगे। प्याज को हम कैसे भी कट कर सकते हैं, मोटा या फिर पतला, आप जैसे चाहे वैसे प्याज को कट कर सकते हैं। अब हमारा रोना हो गया ख़त्म, क्योंकि प्याज भी कट गया है। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और फिर थोड़ा सा जीरा और हींग। आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। और फिर प्याज, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और फिर गैस का फ्लेम हमारा स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और फिर जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे दाल का पेस्ट। अभी ये थोड़ा सा चिपकेगा, क्योंकि ये अच्छे तरीके से अभी पका नहीं है। जब ये पकने लगेगा तो फिर अपने आप से ये कढ़ाई छोड़ देगा। अगर ज़्यादा चिपक रहा है ये, तो फिर से हम इसमें हल्का सा और तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे, फिर ये चिपकना बंद हो जाएगा। और अब देखिए, इसका चिपकना बंद हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसे हम कचौरी में गर्मा गर्म स्टफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम स्टफ़ करेंगे तो फिर ये कचौरी जो है फट जाएगा। अब हम इसके लिए आटा गूंथेंगे। ये गेहूं का आटा है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है हमारे हेल्थ के लिए। और फिर इसमें हल्का सा तेल मिला देंगे, ताकि कचौरी जो है वो एकदम सॉफ्ट सा बने। और फिर हल्का हल्का सा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। हल्का हल्का सा पानी हम आटा गूंथने टाइम क्यों डालते हैं, वो तो आपको पता ही है। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर हमें इसका चीला बनाना पड़ जाएगा। अब हम इसके लिए, आटा भी गूंथ गया है, अब हम कचौरी को पहले उबाल लेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में लेके पानी गरम करेंगे। पानी अच्छा सा उबलना चाहिए, 5 मिनट पहले हमें पानी अच्छे से उबाल लेना है। फिर एक आटे की लोई लेंगे और इसका एक कटोरी बनाएंगे। बहुत मोटा सा नहीं बनाना है और ना ही बहुत पतला सा बनाना है। और इसमें जो हम दाल स्टफ़ करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं करना है। हमें इसके ऊपर वाले पोर्शन को खाली रखना है, ताकि ये अच्छे से फिल हो जाए और इसका मुंह बंद हो जाए और फटे भी नहीं। अगर आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हैं। मैं बस अपने हथेली के मदद से और या फिर उंगली के मदद से इसे एक गोल सा शेप दे देंगे और हल्का हल्का सा पतला कर देंगे। बस हमें ऐसा ही बनाना है। और आप चाहे थोड़ा सा पतला और बना सकते हैं। और ये सारा कचौरी हमारा बनके तैयार है। और पानी में भी अच्छा सा उबाला गया है। पानी में अच्छा सा उबाल आना चाहिए, नहीं तो फिर ये पानी में जाने के बाद फट भी सकता है। पानी अगर अच्छा सा उबला रहेगा तो फिर कचौरी जो है वो नहीं फटेगा। पानी में कचौरी डालने के बाद हम तब तक वेट करेंगे जब तक कचौरी सारा पानी के ऊपर नहीं आ जाता, तैरने नहीं लग जाता है। अब ये देखिए, ये अच्छे तरीके से तैरने लग गया है, तो इसका मतलब है कचौरी जो है वो पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ा सा कम रहेगा। फिर हम बाकी के कचौरी को भी इसमें डाल के उबाल देंगे। इसे ढकना नहीं है, बस हम इसे खुला छोड़ के ही इसे अच्छे से उबाल सकते हैं। कचौरी अब उबल गया है और इसमें हम हल्का सा तेल डाल के इसे सेक लेंगे। पकाना नहीं है, क्योंकि ये पक गया है, बस इसे हम सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमें इस अच्छे से इसे सेक लेना है।
सारे कचौरी को हम इस तरह से पलट पलट के सेक लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से सिक जाएगा, अब ये सारा कचौरी अब हमारा जो है वो सिक गया है। और ये देखिए, इसे ना ही तो तलना है और फिर ना ही इसे बेलना है। और ये हमारा एकदम सॉफ्ट सा और हेल्दी सा कचौरी, दाल कचौरी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप भी बनाइए, आप भी खाइए।